जबरदस्त एक नंबर एक तरफा मेरे को सुकड़ पाटन लाग रहा है, फिल्टर पाट दिया गल तो मेरे रोड शो जबरदस्त रोलो जमा दिया की बात करो थे तूफान ठा देंगा धुमो वो इनेलो जो है वो आज इनेलो वो तो कांडा के घर घूम रहा है, वो तो उसके किले में जा रहा है। उसे इनेलो का तो वो चौधरी देवलाल की नीतियों को ही छोड़ दिया। चौधरी देवलाल तो मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, वो कांडा जैसे बंधुओं के गुलाम थोड़े हुए थे। आप भी एक MLA नहीं, आप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं तो ये तो चंदा मामा दूर के कुएं पकाए भूत के वो कहानियाँ हैं, चंदा मामा की कहानियाँ। मैं तो खारिया गांव की तरफ से और खुद खारिया का होते हुए कहता हूँ कि चौधरी साहब से आगे हमारा बहुत प्यार है, एक आपके फैमिली की तरह प्यार है। साढ़े पिंड काम की है जी, साडा कम्युनिटी हल बन घर तो 56-57 लाख रुपया उत्ते लाया, हरिजन की चपाल बनाई है जी, 8-9 लाख रुपया उत्ते लाया। पिंड साढ़े पिंड एक भी गली नहीं, सिर्फ एक गली रह गई है, वो भी 1-1.5 लाख रुपया तो लगना है। सारा पिंड सारा पक्का हो गया जी। क्यों इन बात दो कारण बन गए, एक तो JGP को गठबंधन, एक भीम आर्मी को गठबंधन, और फिर दूसरी बात है कचौरी साहब सुख और दुख और ब्याह शादी 24 घंटा हमारा बीच में रहे, एक बड़ा कारण वो भी है। अच्छा। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे, मैं हूँ आपके साथ रमेश जाकड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारिया में। खारिया में आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर जो है वो आज खारिया में खारिया गांव के लोगों के द्वारा जो है वो एक भव्य आयोजन जो है वो एक सभा का आयोजन और एक सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य रूप से चौधरी रणजीत सिंह जो कि निर्दलीय तौर पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पे जो है वो हर साल जो है वो चौधरी रणजीत सिंह अपने निवास स्थान पे जो है वो कार्यकर्ताओं को बुला करके सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो करते हैं, लेकिन इस बार खारिया गांव के लोगों के द्वारा इस सामूहिक भोज का आयोजन चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में जो है वो किया गया है। तो ऐसे में तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि सामूहिक आयोजन में जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह को लगातार समर्थन सहयोग सपोर्ट करने का ऐलान आह्वान जो है वो खारिया गाँव के साथ साथ आसपास के तमाम गांव के लोगों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह अपने पूरे परिवार सहित जो है वो यहां पे पहुंचे हैं और ताऊ देवीलाल को जननायक ताऊ देवीलाल को जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें एक श्रद्धांजलि देने का काम जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया और उसके बाद में खारिया गाँव के तमाम समर्थकों के द्वारा जो ताऊ देवीलाल में अपनी आस्था रखते हैं उनके द्वारा जो है वो एक भव्य सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो किया गया। तो इस आयोजन में भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम खारिया का, बहुत सहयोग है इसके अंदर। अच्छा। बाहर से भी बहुत लोग आए हैं खाने, बढ़िया प्रोग्राम है। अच्छा, बहुत अच्छे वोटों से जिताए खारिया गांव के लिए। ठीक है, हाँ जी भाई साहब क्या लगता है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया माहौल है। चौधरी साहब की जीत एक तरफ है। तो पहले चौधरी साहब अपने घर पे कार्यक्रम करते थे, इस बार खारिया गाँव के लोगों ने खारिया उनका परिवार है जी, अच्छा आना जाना है, खारिया वालों ने अच्छा प्रोग्राम किया है। अच्छा। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे इस बार? ठीक रमेश जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आपने देखा ही आज चौधरी साहब की जयंती थी देवीलाल जी की। पहले हर साल चौधरी साहब सिरसा मनाया करते थे, इस बार खारिया गांव वालों ने कहा ये लोगों का प्यार है कि जहाँ मनाए और जो भोजन का इंतजाम किया वो खारिया गांव वालों ने किया और आपने देखा हजारों की गिनती में लोग पहुँचे और पूरा चौधरी परिवार और उसके चाहने वाले पहुँचे हैं यहाँ। तो जो इलेक्शन का मिजाज है वो सिर्फ चौधरी साहब ये रानिया से और कोई नहीं है टक्कर में, इसलिए आगे जो जीतेगा चौधरी साहब ही जीतेगा। ठीक, हाँ जी भाई साहब कहाँ से हो आप? महेंद्र सिंह पिंड नकोड़ा मौजूदा सरपंच है जी। ठीक है, साढ़े पिंड था जी चौधरी साहब पहले नंबर है जी, चौधरी साहब की घट तो घट 250-300 वोट दी जो छोटे जे पिंड 13-1400 वोट पिंड की वोट है, 300 वोट की लीड है जी। अच्छा, 300 वोट। हाँ जी हाँ जी, चौधरी साहब ने साढ़े पिंड काम की है जी, साडा कम्युनिटी हल बन घर तो 56-57 लाख रुपया उत्ते लाया, हरिजन की चपाल बनाई है जी, 8-9 लाख रुपया उत्ते लाया। पिंड साढ़े पिंड एक भी गली नहीं, सिर्फ एक गली रह गई है, वो भी 1-1.5 लाख रुपया तो लगना है। सारा पिंड सारा पक्का हो गया जी। मैं तो खारिया गांव की तरफ से और खुद खारिया का होते हुए कहता हूँ कि चौधरी साहब से आगे हमारा बहुत प्यार है, एक आपके
फैमिली की तरह प्यार है। तो चौधरी साहब तो हमेशा आपकी कोठी पर करते हैं हमेशा ही। अब की बार हमने खारिया वालों ने कहा जी हम तऊ देवीलाल का जन्मदिन यहाँ मनाएंगे और खारिया वाले ही खुद पैसे लगाएंगे आपके खर्चे पर। खारिया वालों को हमने खुशी से ये काम किया है। अच्छा। और जनता को हमने खारिया वालों ने ही बुलाया है। चौधरी साहब को चलो मैं वहाँ चौधरी साहब की जयंती पर वहीं आ जाऊँगा, चलो कर दो भी आप। हाँ जी सर, क्या क्या माहौल है, क्या लगता है, क्या कुछ कहोगे इस कार्यक्रम? बहुत बढ़िया जी, चौधरी साहब का दिनों दिन ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चौधरी साहब का बहुत ही अच्छा, हर गांव में अच्छा प्रोग्राम है। ठीक, हाँ जी सर, आपका स्वागत है जाखड़ साहब। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, और चौधरी देवीलाल जी की 110वीं जयंती पर आज खारिया वालों ने इतना सुंदर प्रोग्राम किया, और इसको देख कर हमें सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा सहर्ष हुआ। और ये भी एक हम संदेश देना चाहते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह हर गांव से जुड़े हुए एक अच्छे इंसान, अच्छे वक्ता और अच्छे कार्यकर्ताओं का संभाल करने वाले नेता हैं। मैं सभी गढ़िया इलाका निवासियों से हल्का से निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब जैसे हमारे को लीडर नहीं मिलेंगे, नेता नहीं मिलेंगे। हाँ जी, के माहौल लगे चौधरी साहब को आज खारिया रा प्रोग्राम करे हुए? 2019 में जो चुनाव हो बीस बढ़िया जी, 2019 में तो 2324 जीत्या आपका डबल मार्जिन। ठीक है, दो कारण बन गए, एक तो JGP को गठबंधन है, एक भीम आर्मी को गठबंधन, और फिर दूसरी बात है कचौरी साहब सुख और दुख और ब्याह शादी 24 घंटा हमारा बीच में रहे, एक बड़ो कारण वो भी है। अच्छा ठीक, हाँ जी, आज जयंती से किया तऊ देवीलाल की खारिया मनाई है, खारिया गांव का लोगा मनाई है, तो किसो को लगे के कहूंगा? बहुत बढ़िया लगा है जी, बहुत मारी बताऊँ चौधरी साहब ने अठू विजय बनाएगा ना। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया माहौल है चौधरी साहब का, और कल सूर्य प्रकाश का रोड शो था, बहुत भयंकर रोड शो था, अच्छी भीड़ थी, और लास्ट प्रोग्राम सोवाड़ा में हुआ था, लेकिन गजब का प्रोग्राम हुआ था, और भारी मतों से जीतेंगे जी। तो चलिएगा, खारिया गांव के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो मौजूद रहे, और खारिया गांव के लोगों ने सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो अपने खर्चे पे किया। तो ऐसे में खारिया गांव के लोगों का तऊ देवीलाल के प्रति जो समर्पण है वो काबिले तारीफ, इसको हम कह सकते हैं। और इस अवसर पर चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पर पहुँचे, और चौधरी रणजीत सिंह इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, और उनके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए। नमस्कार आप सबको, और खारिया गांव के लोगों ने आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर, मेरे परदादा की जयंती पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, खाना रखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज उनकी जयंती पर। क्या कुछ कहना चाहोगे आज इस तरह से चौधरी साहब गाँव गाँव जा रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को लेकर के एक साथ इतना इकट्ठ हुआ है, और खारिया गाँव के लोगों का खास तौर पर प्यार मिला है? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कितना जबरदस्त काम चल रहा है। कैसा रिस्पांस लग रहा है आने वाले? जबरदस्त, एक नंबर, एक तरफा मेरे को सुकड़ पाटन लग रही है, फिल्टर पाड़ दिया कल तो मेरे रोड शो। रिकॉर्ड बस आप सबका साथ है, भाइयों का, बहनों का, लोगों ने, लेडीज ने छत पर खड़े होके गुलाब फेंके, और फतेहपुरिया, शेखपुरिया, खारिया, पंचवाड़ा, सवाड़ा, इन जगहों तो मेरे गुलाब के फूल पंखुड़ियाँ फेंके उन्होंने, एक एक किलो लेडीज ने इकट्ठा किया सांझा, तो बड़ा खुश हुआ यार। मैं तो 20-22 साल का युवक हूँ, मेरे तो मतलब इतनी औकात नहीं जितने लोगों ने मेरे को समर्थन दिया, मुझे बहुत खुशी है। आप सबका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊँगा, मेरे दिलों में तन मन धन में बसोगे आप। कभी भी देखो सूर्य प्रकाश की आपको याद आएगी ना तो मुझे फ़ोन कर लेना, और हमेशा आपके समर्पित रहूँगा। जबरदस्त रोड़ो जमा दें कई बात करो थे तो फान ठा देंगे, धुमो धुमो ठा देंगे। हाँ ठीक है, तो सब तऊ देवीलाल की जयंती हर साल आप अपने निवास स्थान पे मनाते हो, इस बार खारिया में, और काफ़ी अच्छा इकट्ठ देखने को मिला है, क्या ये लोगों की इच्छा थी बहुत दिन से कि अब क्या आप खारिया गांव में कर लें तो नज़दीक गांव पड़ते उन्हें पहुंचने में आसानी हो जाती है, तो ये करके खारिया गांव में कर दिया था। लोग आगे एक प्रोग्राम हो गया, पार्क में उनका प्रोग्राम था, वहाँ सबने आके अपनी उन्हें सबने नमन करा, उनकी जयंती पे लोग खुश हो के गए, खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा रहा। तो सब ये आयोजन जो है वो खारिया गांव के लोगों के द्वारा किया गया है या आपके द्वारा? नहीं, खारिया गांव की तरफ से था, खारिया गांव की इच्छा थी कि हम ये करेंगे,
और ये सब लोग जितने भी बैठे हैं मास्टर जी लिए, इन्होंने कहा भी हम प्रसाद भी खिलाएंगे चौधरी साहब के जन्मदिन पे। तो हमने तो मैं तो एक सम्मिलित हूँ, बाकी तो सब वहाँ का कार्यक्रम यहाँ हो गया, गाँव की तरफ से कार्यक्रम। गाँव में बड़ा गाँव है, मेरे घर जो होता है वो मैं आयोजित करता हूँ, यहाँ ये गाँव वालों की तरफ से था। तो बड़ा गाँव है खारिया, बड़े गाँव के अंदर लोगों ने अपने आप ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर के चले इसको। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज है कि चौधरी देवीलाल का इस गांव से बहुत प्यार था। आपको ये पता है कि जब जीत के मैं निकला था तो पहली रैली भी यहाँ करी थी। जब भी कोई चीफ मिनिस्टर आया था, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, चाहे मनोहर लाल खट्टर आए, जब भी कोई कार्यक्रम रणजीत सिंह ने करा तो खारिया गाँव का विशेष लगाव है मेरे से। इस गाँव की लीड भी 3,000 की लीड होती है एक ही गाँव की। तो इन गाँव का मन था कि अब के चौधरी देवीलाल जयंती हम मनाएंगे। मैं कहने का ठीक है, वो कहने के कि आप अपने निवास पे नहीं, हम यहाँ करेंगे, हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये खारिया गांव की तरफ से था। पहले तो सब खाई शेरगढ़ गांव में बड़ा जनजन समर्थन मिला, उसके बाद पीरखेड़ा में मिला, उसके बाद आज शेखुपुरिया गांव में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। का रात को मोहम्मद प्रिया था हर, मतलब रोज आप समझो कि रोज 5-7 गाँव एक तरफा होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक हफ्ते बाद तो देखिए ऐसा था, जो देवीलाल सदा मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की कमेरों की लड़ाई लड़ते थे, जितने खजानचे परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, जो शोकन परिवार थे हमारे जिले में, वो मालिक और मुजारे में मुजारों की लड़ाई की लड़ते थे। ये जितने नानवाना, मंगालिया, फतेहपुरिया, सुल्तानपुरिया, इन गांव में सेठों की ज़मीन होती थी, जो देवीलाल ने इन्हें लोगों को मालिक बनाए। आज वो इनेलो जो है, वो आज इनेलो वो तो कांडा के घर घूम रहा है, वो तो उसके किले में जा रहा है। उस इनेलो का तो वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को छोड़ दिया, और अब बीजेपी से हाथ मिला के, अलोपा से हाथ मिला के अगर इनेलो वहाँ घूमे तो लोग कैसे पसंद करेंगे। ये मैंने थोड़ा चर्चा करा के, चौधरी देवीलाल तो मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, वो कांडा जैसे बंधुओं के गुलाम थोड़े हुए थे। देखिए आज तो इन लोगों का जयंती का था, तो उसमें मैंने भी कोई चुनाव में यहाँ प्रचार की बात नहीं करी, मैंने कोई जिक्र ही नहीं करा, मैंने चौधरी देवीलाल की नीतियों का जिक्र करा। मैंने ये नहीं कहा मैं वोट मांग रहा हूँ मुझे वोट देना, मैंने कोई जिक्र नहीं करा, केवल चौधरी देवीलाल का इतिहास क्या था। चौधरी देवीलाल हिंदुस्तान की राजनीति तय करते थे, चौधरी देवीलाल किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। उनका इनेलो ऐसा था कि उसमें यहाँ से ले जाके चांदराम को उत्तर प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, उन्होंने यहाँ से 3-3, 4-4 अजय को जाके राजस्थान में नोर से बना दिया, जीत राम था उसे जाके मालपुरा से MLA बना दिया, उन्होंने जिसको चाहा उसको बना दिया। वो चौधरी देवीलाल का इनेलो वो था। आज तो इनेलो एक सीट भी अपने नहीं बचा पा रहा है, ये हालात हो रही है। भरत सिंह जीत रहा है इनेलो के, तो ये हालत हो गई। MLA से मुख्यमंत्री बनता है कि बिना MLA के मुखिया, पहले तो MLA बनना जरूरी होता है ना, या MLA नहीं हो तो MLA उनके साथ हों, 50-45 MLA साथ हों, किसी को कहते बनाएंगे तो बना सकते हैं। आप पे एक MLA नहीं, आप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो ये तो चंदा मामा दूर के कुएं पकाए भूल के, वो कहानी है चंदा मामा की कहानी। आज इनेलो उछाना में जयंती मना रही है, देखिए कोई कहीं भी बनाए, चौधरी देवीलाल बहुत महान आदमी थे, कोई राजस्थान में बना रहा है, कोई अम्बाला में बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, उनके शिष्य हैं हर जगह, उन्होंने किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ी।